Hello students, this is Mac Khurana. Today I am here with a new video and this video is only to introduce my channel. And today I will introduce my channel and what are the features of my channel and क्या क्या qualities हम अपने channel पे अब आगे आपको देने वाले हैं उनके बारे में हम आपको discuss करेंगे। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे channel का नाम क्या है जो आपके सामने आपको board पे दिख रहा है, Ease with Physics is the name of my channel. इस चैनल का नाम Ease with Physics है। जब भी आप YouTube पे सर्च Ease with Physics से करेंगे तो यू विल गेट माय वीडियोस, आपको पहला ही ऑप्शन मेरे वीडियोस का मिलेगा और आपको सिंबल आइकन E is equal to MC square जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है वो आपको मेरे सिंबल आइकन फॉर द प्रोफाइल पिक ऑफ माय चैनल के नेम से मिलेगा, तो आपको वो देखना है। सो Ease with Physics इज द नेम ऑफ माय चैनल एंड चैनल ओनर ऑनर कौन है, ऑनर I am the owner of my channel and my name is Mahek Khurana. ठीक है? And what things I am providing to you in my channel, those things, those features are there. सबसे पहले मैं कौन सा subject पढ़ाने वाला हूँ, ये जरूरी बात है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे channel के नाम में ही है Ease with Physics, so my subject is physics. I will teach you physics. Mostly I will take put the videos of 11th and 12th, but I will put some videos on some special topics of 9th and 10th also, that is on the demand of the students. जो students demand करेंगे कि मुझे video चाहिए 9th and 10th की video इस topic पे चाहिए, अगर ज़्यादा बच्चों की उसी video पे demand आती है तो उस case में मैं 9th और 10th की भी video बना सकता हूँ, and that is on the demand on some special topic. Basically I will teach for 11th and 12th and for which course सीबीएसई के लिए पढ़ाएंगे, कौन से बोर्ड के लिए पढ़ाएंगे, जेई के लिए या नीट के लिए। देखिए बेटा, ये तीनों के लिए जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ वीडियोस में, वो सीबीएसई के लिए भी सफिशिएंट होता है, जेई के लिए भी होगा और नीट के लिए भी होगा। इसमें आपके माइंड में डाउट नहीं रहना चाहिए। और दूसरी बात, जेई में कौन सा लेवल, जेई एडवांस और जेई मेन्स, तो जेई मेन्स तक का लेवल मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। और जेई मेन्स में भी आपकी अगर अच्छी रैंक आती है तो यू विल गेट ए गुड कॉलेज एंड यू विल गेट ए गुड प्लेसमेंट इन योर फ्यूचर। तो आपको जेई मेंस और नीट तक की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन वीडियोस में आपको मिलेगी। और इन वीडियोस में किस तरीके से हम पढ़ाएंगे, मेथड ऑफ टीचिंग हमारा क्या होगा, तो हमारा मेथड ऑफ टीचिंग व्हाइट बोर्ड पे होगा, जैसे कि आपके सामने अभी व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसी तरीके से हम पढ़ाएंगे मोस्टली ज्यादातर। अगर फिर भी कभी हमारे को ऐसा लगा कि हम आपको पीपीटी या नोट्स के थ्रू समझाना चाहते हैं कुछ, तो उस केस में हम नोट्स को भी यूज कर सकते हैं, पीपीटी को भी यूज कर सकते हैं। समटाइम्स जब भी हमें लगेगा कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से बनती है उस तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। मोस्टली हमारी जो स्टडी होगी वो व्हाइट बोर्ड पे होगी। इसके बाद हमारी वीडियोज में कंप्लीट क्लैरिफिकेशन होगी टॉपिक की, जो बच्चों के डाउट्स हो सकते हैं माइंड में, आपके माइंड में जो हो सकता है वो मैं आपको वैसे ही बताऊंगा बिना आपके पूछे मोस्टली। और फिर भी अगर आपके माइंड में कुछ डाउट रह जाते हैं तो यू विल कमेंट मी, आप मुझे कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता लगे कि आपका ही डाउट है, तो हम उसका लाइव सेशन करेंगे, लाइव डाउट सेशन, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे यूट्यूब पे ताकि आपके डाउट सॉल्व हो सके। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स की स्पेशल वीडियो बनेगी, जो भी आपका टॉपिक कवर होगा साथ के साथ उसकी न्यूमेरिकल वीडियो जरूर बनेगी। और कंसेप्ट बिल्डिंग क्लासेस होंगी, कंसेप्ट बिल्डिंग मतलब हम इस तरीके से नहीं करेंगे कि आपको बस याद कराना है, यू शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड योर कंसेप्ट शुड बी बिल्ड थ्रू माय वीडियोस। तो ये चीजें मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ इस चैनल में। तो आपको इस चैनल को सर्च करना है Ease with Physics बाय मिस्टर महक खुराना, या सिर्फ Ease with Physics लिख देना, यू विल गेट द वीडियोस ऑफ माइंड। जितनी भी वीडियोस मैंने अब तक पुट की हैं, अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस पुट करी हैं वो नोट्स के थ्रू और पीपीटी के थ्रू बना के आपको रिप्रेजेंट किया है। आज हम फर्स्ट टाइम फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं और आगे आगे की वीडियोस मोस्टली आपको बोर्ड पर ही मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ माई चैनल एंड वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था उससे अगले टॉपिक से हम अब हमारा बोर्ड पे स्टार्ट करेंगे। थैंक्स अ लॉट।